हेलो एवरीवन माय नेम इज अमृतपाल फाउंडर ऑफ अमृतपाल ऑफ विजन आई वेलकम यू टू माय वेब सीरीज स्टडी इन जर्मनी विद अमृतपाल एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं रिलेटेड टू जर्मन यूनिवर्सिटीज अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ जर्मन यूनिवर्सिटीज डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जर्मन यूनिवर्सिटीज एंड वाई जर्मन गवर्नमेंट हैज़ कैटेगराइज द यूनिवर्सिटीज़ देखिये आज से डेढ़ सौ दो सौ साल पहले जर्मनी में पॉलीटेक्निक्स थी पॉलीटेक्निक्स के बाद यूनिवर्सिटीज बनी क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज पॉलीटेक्निक्स में आ चुके थे फिर पॉलीटेक्निक्स यूनिवर्सिटी बनी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेस आ गए जैसे अभी भी यूनिवर्सिटीज जर्मनी में जो ऑपरेट कर रही है उसमें मेडिसिन से लेकर मीन्स एम बी बी एस से लेके आर्ट्स तक के कोर्सेज हो रहे हैं बट उसके बाद जर्मनी ने डिसाइड किया जर्मन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ने डिसाइड किया कि यार जो फोकस होना चाहिए वो हमको टेक्नोलॉजिकल साइड रखना है तो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हमको बता, बनाना पड़ेगा अगर हमको म्यूजिक आर्ट्स के लिए कुछ करना है तो हमको उसकी अलग यूनिवर्सिटी चाहिए तो उसके बाद जो कैटेगराइजेशन हुआ जर्मन यूनिवर्सिटीज का यूनिवर्सिटी से स्प्लिट होकर टी बना मीन्स टेक्निकल यूनिवर्सिटी टी एंड टी दोनों सेम है फिर उसके बाद में जर्मन यूनिवर्सिटीज ने एंड जर्मन गवर्नमेंट ने ये देखा कि यार हर कोई स्टूडेंट जो है वो रिसर्च इनोवेशन इन्वेंशन नहीं करेगा ना ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होता है साइंटिफिक स्टडीज में तो उन्होंने सोचा कि यार ठीक है हमने रिसर्च इनोवेशन इन्वेंशन के लिए यूनिवर्सिटी टी यू टी एच तो बना लिया बट उन स्टूडेंट्स के लिए क्या जिनको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन चाहिए जिनको इनोवेशन रिसर्चर या तो फ्यूचर में साइंटिस्ट नहीं बनना है तो उसके बाद उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया एफ को मीन्स फाकोक्शूल है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसिस इस यूनिवर्सिटी का जो गोल है दैट इज़ टू प्रोवाइड द इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट टू द जर्मन इकोनॉमी और जो यूनिवर्सिटीज़ है टी यू है टी एच है इनका जो गोल है मिशन है दैट इज़ टू डू द रिसर्च टू डू द साइंटिफिक वर्क एंड दे एनकरेज देयर स्टूडेंट टू डू द इनोवेशन ज़्यादातर क्या होता है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट एक गलत जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है क्यों क्योंकि स्टूडेंट के जो मिशन विजन गोल्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी के मिशन विजन गोल से मैच नहीं होते जैसे कि मैंने आपको बताया हर जर्मन यूनिवर्सिटीज के गोल्स अलग हैं ऐसे ही हर स्टूडेंट का गोल भी अलग होता है तो हमको पहले ये चेक करना है कि हम कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट हैं ब्रांड के पीछे मत भागिए बड़ी यूनिवर्सिटी के पीछे मत भागिए रैंकिंग के पीछे मत भागिए अदरवाइज आपका जो टाइम है जर्मनी में गारंटेड खराब होगा जब मैं जर्मनी में था जब भी मैं बेटी में था मैंने भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो दो तीन सेमेस्टर के बाद जो है वो चेंज कर देते हैं क्यों क्योंकि उनको सिर्फ एक इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए होता है और उनका कोर्स भी उन, उनसे मैच नहीं होता है जो करने आते हैं क्योंकि उनको कोई भी इंग्लिश स्टॉट प्रोग्राम एडमिशन मिल जाता है दस पंद्रह यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होता है किसी में भी आ जाता है उसमें चले जाते हैं भाई ऐसा मत करो ऐसा मत करो सच्ची में जर्मनी में आप पिस जाओगे क्योंकि जर्मन एजुकेशन सिस्टम जो है जर्मन एजुकेशन इतना ईजी नहीं है आज जो इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो भी जर्मन एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आई हुई है राइट एटी परसेंट इंडियन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो जर्मन एजुकेशन पॉलिसी को मैच कर रही है तो आप समझिए जर्मन एजुकेशन सिस्टम इतना इजी नहीं है कि आप कोई भी कोर्स उधर जाके जो है वो कर लोगे विदाउट प्रायर नॉलेज तो हमको ये समझना है ये सब चीजें क्यों इतने इंपॉर्टेंट है एक सही यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको जर्मनी में जाके पढ़ना है अच्छी जॉब लेनी है ऐसा नहीं कि कोई भी कोर्स में एडमिशन ले लिया और आप उसमें चले जाओ क्योंकि आपको एक इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है नाइन्टी स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में एडमिशन मिला ले लो वीजा चले गए और उधर सोचते हैं कि हम लोग देख लेंगे कर लेंगे भाई उधर जाके कुछ नहीं होता है हाँ आप टाइम बिगाड़ोगे तो बहुत कुछ होगा कोर्स चेंज हो जाएगा सब कुछ होगा बट क्यों ऐसा करना है आपको तो आपके लिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है आप रिसर्च करिए कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है कौन से कोर्सेस आपको करने हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप ये कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि उधर के मार्केट में आप चलोगे या नहीं चलोगे आपके अंदर एक स्किल सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हम लोग बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन टी यू टी एच यूनिवर्सिटी वर्सेस एफ के बारे में जो पहला डिफरेंस है दैट इज अप्रोच टूवर्ड्स एजुकेशन टी यू टी एच यूनिवर्सिटीज का जो अप्रोच है दैट इज टूर्स रिसर्च एंड साइंटिफिक वर्क मीन वाइल एफ एच का जो अप्रोच है दैट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर आपको पी एच डी करना है जो सेकेंड uh, हमारा डिफरेंस है दैट इज अगर आपको पी एच डी करना है तो आपके पास सिर्फ टी यू का ही ऑप्शन है टी यू यूनिवर्सिटी टीएच का ही ऑप्शन है आपके पास एफ एच का ऑप्शन नहीं है क्योंकि एफ एच में अभी जो है पी ऑफर नहीं हो रहे हैं फ्यूचर में हो वी डोंट नो बट अभी वि आपको पी एच डी करना है तो टी यू टी एच एंड डिफिकल्टी लेवल अभी कोर्स डिफिकल्टी लेवल जहां पर इनोवेशन इन्वेंशन रिसर्च साइंटिफिक वर्क है वहां पर डेफिनेटली आपका कोर्स डिफिकल्टी लेवल टी यू में ज्यादा है यूनिवर्सिटीज में ज्यादा है एफएच में आपका इतना स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं रहता है क्योंकि वहाँ पर जो आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करने होते हैं आपको गाइड भी अच्छे मिलते हैं क्योंकि प्रोफेसर और स्टूडेंट रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसके बाद आते हैं हमारे जो क्लासेस स्टूडेंट स्ट्रेंथ अगर आप टीयू यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स देखोगे क्लासेस देखोगे वो बहुत जाइजेंटिक क्लासेस होते हैं 300 सौ साढ़े तीन स्टूडेंट एक लेक्चर हॉल में बैठ के पढ़ रहे होते हैं मेन वाइल एफ में छोटे ग्रुप्स होते हैं पचास साठ स्टूडेंट्स से ज़्यादा नहीं होते हैं वहाँ पर प्लस प्रोफेसर के प्रोफेसर के साथ आपका जो है वो रेपो भी बहुत अच्छा होता है कितनी बार तो टी में आपको स्टूडेंट पता भी नहीं होते हैं कि कौन से स्टूडेंट आते हैं कौन से जाते हैं क्योंकि कितनी बार जो नेक्स्ड uh, जो आपके लेक्चर्स होते हैं वो साथ में होते हैं तो बहुत uh, कितनी टाइम कितने टाइम नहीं मैं मेरे को भी अभी तक नहीं पता है कि मेरे uh, क्लास में कौन से कौन से स्टूडेंट्स थे जब भी मैं था जर्मनी में फिर आता है अपना जॉब प्रोस्पेक्ट्स अभी अगर आपने टी यू में से अपना जो बैचलर्स है तो मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है तो एम्प्लॉयर आपसे ये चाहेगा कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करो इनोवेशन के तरफ आप काम करो कंपनी को कुछ नए इनोवेशंस दो तो हमेशा आपका जो एम्प्लॉयर है अगर आप टी से हो तो आप आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप कुछ ना कुछ इनोवेशन करो उनकी कंपनी में आके मीन वाइल अगर आप एफ के स्टूडेंट हो एफ ग्रेजुएट हो तो आपको जो अपना एम्प्लॉयर है वो देखेगा कि यस ये हमारा एक बहुत अच्छा कैंडिडेट आया है इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट हमारे पास आया है तो इंडस्ट्रियल जॉब्स जो है आपको एफ में बहुत इजीली मिलेगी अगर आपका स्किल सेट बहुत अच्छा है अगेन एफ और टी में यही इम्पोर्टेंट आप इम्पोर्टेंस आपको देना है कि आपका गोल्स मिशन वैल्यूज क्या है और यूनिवर्सिटीज के जो गोल्स मिशन एंड विजन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दोनों मैच हो तो ही आप उधर जाके कॉम्पेटेबल हो गए अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम पड़ेगा यूनिवर्सिटीज में आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट करने के लिए आई होप दिस एपिसोड विल हेल्प यू टू मेक द फोम डिसीजन रिगार्डिंग विच यूनिवर्सिटी टू सिलेक्ट इन जर्मनी still if you have any confusions any doubt left regarding career counseling and university selection you can always reach us at our instagram handle also follow us on youtube channel so that you can stay updated with all our latest episodes which are coming this web series called study in germany with amritpal the end game